जी बिल्कुल, मीठी ईद का आज तीसरा दिन है, यानी कि आज तीसरा ईद का आखिरी दिन है और हवातीन और मर्द हजरात ने ये सोच लिया था कि घर से बहुत खाना खा लिया, बहुत नाश्ता कर लिया, मगर अब कुछ बाहर से भी हो जाए ताकि जो मुंह का टेस्ट है वो भी चेंज हो जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, लौरिए वैसे आमतौर पर संडे को बाहर से नाश्ता करते हैं, मगर आज मौसम भी हसीन है और आज ईद का आखिरी दिन भी है और शहरी ने सोचा हुआ था नाश्ता बाहर से करना। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, सबसे पहले उनकी तरफ जाना चाहूँगी। बताइएगा नाश्ते में क्या किया आपने? आज हमने सिरी पावे किए और मगज भी किए, दान चने पूरी, यानी सारी नाश्ते आज हमने किए। तो आप लोग भी करें हमारे साथ, इंजॉय करें छुट्टी के। बताइएगा मीठा बना बना कर थक गई थी या मीठा खा खा कर थक गए थे? बना बना के थक गई थी, मतलब आज आपने सोचा था कि बाहर से? हाँ, आज हमने सोचा आज बाहर इंजॉयमेंट किया जाए, बच्चों की जेब खाली की जाए ना ज़रा, बट इनकी बचतें की हमने। बच्चों की अब उनका भी थोड़ा खर्च करवाना पड़ेगा। आप बताइएगा आपने नाश्ते में क्या किया? नाश्ते में आज हमने पाए खाए हैं और पूरी हलवा वगैरह खाए हैं। मतलब आपका मीठा खाने से दिल नहीं भरा? मीठा खाने से दिल भर गया था, इसलिए तो पाए खाने आए। अच्छा जी, लोगों का, शहरियों का मीठा खा खा कर दिल भर गया था, इसलिए उन्होंने नमकीन खाने का रुख किया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, यहाँ पर लोग सिरी पाए, हलवा पूड़ी, नान चने और बहुत सारी आइटम्स खा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बच्चा पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, जो खूब अच्छे खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी